ਇਹ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਦੀ, ਜੋ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए सब कुछ छोड़ा है, मुझे वापस नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं। इस साल 2019 की गल है, जदों ऑनलाइन पबजी गेम खेडदियां सीमा अते सचिन की एक दूजे नाल जान पहचान हुई। करीब 3 साल तक दोहां की गलबात हुंदी रही। अखीर सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान छड्ड के भारत आउण दा फैसला लिया। ਉਹ ਸ਼ਾਰਜਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਚਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਥਾ ਵੋ ਲਗਭਗ 13 ਮਈ ਸੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕਮਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਬ ਸੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੋ 13 ਮਈ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਮੇ ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੈ और ये शिकारपुर के क्षेत्र की रहने वाली है। उसको सचिन को तो मैं जानता ही था कि वो कस्बे का ही रहने वाला है, बाज़ार में नौकरी करता था वो, तो उसे मैंने कमरा दे दिया। कितने में कमरा आपने दिया? वो 2500 रुपये प्रति महीना कमरा दिया था। पानी का जग है, बर्तन भी है, LED भी है। सचिन अते सीमा करीब 1.5 महीने तक इस कमरे में रहे। सीमा सचिन नाल आम हिंदू औरतों वांग रहिंदी रही। हाँ, सिंदूर भरे अकादमी ने भरी का यही मांग 2-3 दिन तो, और चूड़ी भी पहरे, लाली भी लगावे, बिंदी भी लगावे, साड़ी भी बांधी वाने 2 दिन। सचिन अते सीमा दे प्यार ते किसे नू शक नहीं होया। इसका कारण सी सचिन दे परिवार दा होना। आधार कार्ड पैन कार्ड उसने दिखाए थे मुझे। हाँ, लड़के के परिवार वाले खुद उसके माँ भी बाप भी यहाँ मिलने आए थे उससे, उस लड़की से भी मिल के गए हैं। उसकी एक शादीशुदा बहन थी, वो भी मिल के गई थी उससे। मुझे भी यही लगा कि मतलब भाई सब जब सब नॉर्मल है तो सब ठीक ही होगा। जब ये परिवार वाले भी इसके मिलने आ रहे हैं, इसकी बहन भी शादीशुदा है, वो भी मिलने आई है, उसके लिए कुछ देके भी गई थी। वो जो साड़ी जो पहन रखी है, जो फोटो में था, शायद उसी की जो लड़के की जो बहन थी ना, वो ही देके गई उसको। सचिन सीमा अते सचिन की मुलाकात ऑनलाइन हुई सी ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ, ਤੋ ਇਹ ਛੱਤ ਪੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਥਾ ਇਹ, ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਪਕੜਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਭਈਆ ਕਿਆ ਕਿਸ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, 1 ਘੰਟੇ 2-2 ਘੰਟੇ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਬਜੀ ਖੇਲਦਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੇ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, और उससे मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है और वो इंडिया आना चाहती है, तो मैंने उसके सामने हाथ भी जोड़े, पैर भी पूजे, भैया गरीब आदमी हैं हम, हमारे घर में आटा भी नहीं है और ऐसे मांग मांग के खाते हैं और बेहद स्थिति ख़राब है, तू इस काम को कभी भी मत नहीं करना। चाचे दे इनकार तो बाद भी सचिन नहीं मने। मार्च 2023 सचिन सीमा नु मिलन काठमांडू चले गए, जिथे दोवां ने एक होटल विच करीब 1 हफ्ता बिताया। ये नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को, मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहां पर रहे, वो अपने यहां पर चली गई, हम अपने यहां पर आ गए। सचिन अते सीमा गुलाम हैदर ने फैसला किया कि दोवें इकट्ठे रहेंगे, पर यह किवें संभव होवेगा। सीमा ने इस बार वड्डा कदम चुकदिया 12 लाख की जमीन वेच दिती ਅਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਬਜੀ ਕੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਮੈਂ ਆਈ ਥੀ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਸੇ ਸਿੰਧ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਥੀ, ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੈਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਵੋ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਇਸਨੇ ਨੇਪਾਲ ਕਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਸੇ ਵਾਇਆ ਬਸ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਈ ਹੈ ਸਚਿਨ ਸੇ ਮਿਲਨੇ। ਇਸਕਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਊਦੀ ਮੇਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਔਰ ਵਹੀਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। सीमा ते सचिन ने इकट्ठिया रहने लई ना सिर्फ सरहदां पार कीतियां, सगों सारियां सुरक्षा एजेंसियां नूं भी झांसा देण विच कामयाब रहे, पर एक गुप्त सूचना मिलन ते पुलिस ने दोवां नूं हरियाणा दे बल्लभगढ़ तों हिरासत विच लै लिया। हुण सचिन ते सीमा दोवें सलाखां पिछे हन, फिर भी उन्हां दी आस
हले मुक्की नहीं। प्यार अब भी करता हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस।